हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर गेट 2019 फिजिक्स का सॉल्यूशन बना रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक के वीडियोस आपको दे चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोज को देख लीजिए। उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप मेरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको गेट 2019 के नाम से मिल जाएगी। और फ्रेंड, इस पार्ट नंबर 9 में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व करेंगे और ये हमारा गेट 2019 का लास्ट पार्ट है। मींस मैं अभी तक आपको पार्ट नंबर 8 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करा चुका हूं। तो ये हमारा 51 से लेकर 55 तक का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट पार्ट है। तो अभी तक आपने मेरे वीडियोज को देखा है गेट 2019 के, तो उसके लिए आपको थैंक्स भी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, हम यहाँ पर इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसिडर टू सिस्टम ए एंड बी ईच हैविंग टू डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। इन बोथ द सिस्टम ईच पार्टिकल कैन एग्जिट इन स्टेट विद एनर्जी 0, 1, 2 and 3 यूनिट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। तो द टोटल एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज 5 यूनिट। तो एज्यूम दैट द सिस्टम ए हैज एनर्जी 3 यूनिट्स एंड सिस्टम बी हैज एनर्जी 2 यूनिट्स। तो द एंट्रोपी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज kV log lambda। तो द वैल्यू ऑफ द lambda इज। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपके पास दो सिस्टम है, ए और बी, और इन दोनों सिस्टम में आपके पास यहाँ पे दो दो पार्टिकल हैं जो कि हमारे आपस में डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो हम मान लेते हैं कि सिस्टम ए में और सिस्टम बी में जो हमारे पार्टिकल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इस सिस्टम में जो हमारे पास पार्टिकल है वो हम ले लेते हैं सपोज करो PQ, और इस सिस्टम में हम मान लेते हैं जो हमारे पास पार्टिकल है वो हम ले लेते हैं RS। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सिस्टम ए में पार्टिकल हो गए हैं PQ और सिस्टम बी में हमारे पार्टिकल हो गए हैं RS, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इन बोथ द सिस्टम इस पार्टिकल कैन एग्जिट इन अ स्टेट विद एनर्जी 0, 1, 2 and 3 यूनिट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। अब ये जो आपके दोनों पार्टिकल्स हैं, अब ये जो इनकी जो एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी स्टेट 0, 1, 2 और 3 में इक्वली पाए जाते हैं। मतलब इनकी 0, 1 में स्टेट में होने की प्रॉबिबिलिटी भी सेम है, 1 स्टेट में होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है, 2 स्टेट में होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है और 3 स्टेट में होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है। अब जो इन दोनों सिस्टम, मतलब सिस्टम ए और सिस्टम बी, इन दोनों की जो टोटल एनर्जी, मतलब कंबाइंड सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमारे पास 5 यूनिट है। तब जो हमारा सिस्टम ए है, सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो हमारे पास 3 यूनिट्स है, और जो हमारे पास सिस्टम बी है इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास 2 यूनिट है। तो आपको ये बताना है कि जो हमारे पास एंट्रोपी होगी कंबाइंड सिस्टम की वो हमारे पास ये होगी। तो इस केस में हमारे पास जो लैम्डा है, इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास सिस्टम ए है और एक हमारे पास सिस्टम बी है। अब जो सिस्टम ए है, इस सिस्टम में आपके दो दो पार्टिकल हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं पार्टिकल PQ और इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारे पास हो गए RS। अब जो आपको सिस्टम ए दिया हुआ है, सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो हमारे पास है यहाँ पे 3, और जो आपके पास सिस्टम बी है, सिस्टम बी की जो एनर्जी है वो हमारे पास है 2। अब जो आपके पास कंबाइंड सिस्टम है, आपने क्या करा, सिस्टम को कंबाइन कर दिया। तो आपके पास जो कंबाइंड सिस्टम है, इस कंबाइंड सिस्टम की जो आपके पास एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है फ्रेंड्स E = ये हो जाएगा हमारे पास EA और प्लस का ये हमारे पास हो जाएगा EB। तो इस तरीके से हमारे पास इस सिस्टम की जो कंबाइन एनर्जी है वो हमारे पास है 5। तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। अब हमने ये बात हो गया, अब आपको ये बताना है कि जो हमारे पास इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी होगी। तो आपको पता है कि सिस्टम ए की जो हमारे पास एनर्जी है, सॉरी एंट्रोपी, तो आपको पता है कि आप सिस्टम ए की एंट्रोपी को कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो सिस्टम ए होगा, सिस्टम ए की एंट्रोपी को लिखा जाएगा हमारे पास kB, या हमारे पास हो जाएगा ln, और आप इसको क्या लिखोगे, log लैम्डा ए, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ये हमारे पास log लैम्डा ए हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो सिस्टम
बी है, सिस्टम बी की जो एंट्रोपी होगी वो आप लिखोगे यहाँ पे के बी, या हमारे पास हो जाएगा एल एन, सॉरी हम यहाँ पे इसको एल एन लिखेंगे इस तरीके से, या हमारे पास हो जाएगा एल एन और आप इसको लिखोगे लैम्डा ए, और ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बी। अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पे सिस्टम को ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास जो कंबाइन सिस्टम है यहाँ पे हम लिखेंगे कंबाइन सिस्टम। तो ये जो आपके पास कंबाइन सिस्टम है इसकी जो हमारे पास एंट्रोपी होगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इस सिस्टम की एंट्रोपी, तो इसकी जो एंट्रोपी होगी वो हमारे पास होगी एस, और आप इसको लिखेंगे ऐसे प्लस के, ये हमारे पास हो जाएगा एस पी। अब यहाँ पे ऐसे की वैल्यू लगाएंगे तो ऐसे की वैल्यू हो जाएगी के वी, ये हमारे पास हो जाएगा एल एन, आप इसको लिखेंगे लैम्डा ए, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा के बी, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे एल एन, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बी। अब यहां से हमारे पास के बी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल एन, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एल एन, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा ए, और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा एल एन, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा बी इस तरीके से। अब आपको फॉर्मूला पता है लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी हमारे पास हो जाता है, है ना, सॉरी हमारे पास यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम एन, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं के बी, ये हमारे पास हो जाएगा एल एन, और आप इसको लिख सकते हो लैम्डा ए, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बी इस तरीके से। ये हमारे पास आ गई सिस्टम की कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी। अब आप इस कंबाइंड सिस्टम के एंट्रोपी को आप कंपेयर करोगे, तो फ्रेंड्स अगर आप इसको कंपेयर करोगे कंपेयर विद, तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे, तो आप इसको कंपेयर करोगे एस इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है के बी, ये हो जाएगा हमारे पास एल एन लैम्डा, आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है के बी, ये हमारे पास है लैम्डा ए, तो अब आपके पास ये है, तो यहां से हमारे पास जो अगर मैं इसको इसको और इसको अगर कंपेयर करता हूं, तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है हमारे पास लैम्डा ए और लैम्डा बी। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लैम्डा ए कैलकुलेट करना है और लैम्डा बी कैलकुलेट करना है। अब आप कहेंगे सर लैम्डा ए और लैम्डा बी क्या है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास लैम्डा ए है, लैम्डा ए का मतलब है माइक्रोस्टेट, ये हमारे पास है माइक्रोस्टेट ऑफ स्टेट ए, तो स्टेट ए की माइक्रोस्टेट है, यानी कि इसका मतलब है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, और इसी तरीके से जो हमारे पास लैम्डा बी है इसका मतलब है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ बी, मतलब बी स्टेट की, और ये जो आपके पास लैम्डा है इसका मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, इस तरीके से यहाँ पे इसका ये मतलब है माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है लैम्डा इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा ए और लैम्डा बी। अब हम यहाँ पे लैम्डा ए और लैम्डा बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे आप देखो, अब देखो यार यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास सिस्टम ए है, सिस्टम ए में आपके पास दो पार्टिकल है, तो आपको पता है कि जो सिस्टम ए है हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम ए, तो सिस्टम ए में आपके पास दो पार्टिकल हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं पी और क्यू, या आपके पास टू पार्टिकल है, और सिस्टम ए की जो एनर्जी स्टेट है हम यहाँ पे बना लेते हैं एनर्जी स्टेट एक, ये हमारे पास हो जाएगी टू थ्री, और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हमारे पास इस एनर्जी स्टेट जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा हमारे पास थ्री, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम ए है इसकी जो टोटल एनर्जी है, मतलब सिस्टम ए, ये हमारे पास सिस्टम ए है इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है थ्री यूनिट्स, इस तरीके से। तो अब आपको इस सिस्टम की क्या बनानी है, एनर्जी थ्री बनानी है, तो ये एनर्जी हमारे पास थ्री कैसे बन सकती है, और यहाँ पे जो आपके पास सिस्टम है वो उसमें जो पार्टिकल है वो हमारे पास है पी और क्यू, तो देखो यार एक पार्टिकल तो आपका इसमें हो सकता है, मीन्स पी इसमें हो सकता है जीरो स्टेट में, और पी और क्यू आपका इसमें हो सकता है, तो एक तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास है पी क्यू, तो इस तरीके से इसमें हो सकता है फ्रेंड, इसी तरीके से ये आपका पी इसमें हो सकता है ना, और आपका क्यू इसमें हो सकता है, एक पॉसिबल हमारे पास ये है, तो आपने क्या देख एक पॉसिबल स्टेट हमारे पास ये हो गई। इसी तरीके से अब आपका जो पी इसमें भी हो सकता है वन में, और आपका क्यू इसमें हो सकता है, और पी इसमें हो सकता है, और क्यू इसमें हो सकता है, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो आपके पास पॉसिबल स्टेट है वो हमारे पास क्या है, तो एक स्टेट तो हमारे पास ये हो गई, आप देख सकते हैं दूसरी स्टेट हमारे पास ये हो गई, और तीसरी स्टेट हमारे पास ये हो गई,
तो मतलब एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन आपके पास ये हो गया, और एक कॉम्बिनेशन आपके पास ये हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो आपके पास माइक्रोस्टेट निकल के आई हैं वो हमारे पास आई 4। तो बात समझ में आई कि हमारा जो पी है वो 0 स्टेट में भी रह सकता है और हमारा पी यहाँ पे 3 स्टेट में भी रह सकता है। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जिससे हमारी जो एनर्जी है वो 3 बन रही है। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास लैम्डा ए की वैल्यू 4 है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है पार्टिकल ए के लिए वो हमारे पास कितने हैं 4। तो ये आपके पास सिस्टम ए के लिए हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फोर सिस्टम बी। तो अब हम यहाँ पे सिस्टम बी के लिए बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है सिस्टम बी। तो सिस्टम बी के लिए हम कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो, और इसमें हम मान लेते हैं हमारे जो पार्टिकल है वो हमारे पास है आरएस। हमने एक नाम मान लिया, आप इसको पी क्यू भी मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको माना हुआ है। तो अब देखो ये हमारे पास 0 है, यह हमारे पास 1 हो जाएगा, यह हमारे पास 2 हो जाएगा, और यह हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यह हमारे पास है 0, 1, 2 और 3 इस तरीके से। और ये जो हमारे पास सिस्टम है बी, इसकी जो एनर्जी स्टेट है वो हमारे पास कितनी है 2। अब यहाँ पे हमारे पास कितने तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो फ्रेंड देखो आपका जो आर है वो इसमें रह सकता है और आपका जो एस है वो इसमें रह सकता है। इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब आपका आर इसमें रह सकता है, आपका एस इसमें रह सकता है, तो एक कॉम्बिनेशन आपके पास ये आ गया। और अब आपके दोनों के दोनों पार्टिकल आपकी 1-1 स्टेट में रह सकते हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो पार्टिकल है वो आपका पी भी इसमें रह सकता है और क्यू भी इसमें रह सकता है 1-1 स्टेट में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास हो चुका है। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पे आपके पास कितने तरीके की कॉम्बिनेशन है, तो एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास ये है, और तीसरा कॉम्बिनेशन आपके पास ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा बी की कितनी वैल्यू आई है, तो यहाँ पे लैम्डा बी की वैल्यू आई है आपके पास 3। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके पास। तो यहाँ से लैम्डा ए निकल के आ चुका है और यहाँ से लैम्डा बी निकल के आ चुका है। अब इस लैम्डा ए और लैम्डा बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4, और ये हमारे पास आ गया है 3, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया है 12। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास कितना है 12। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा आंसर 12। तो ये हो गया हमारे पास फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 52। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन इन द जेड डायरेक्शन जेड कैप आर पासेस थ्रू ए एस जी सेटअप विद द मैग्नेटिक फील्ड एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम जेड कैप। तो द फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट विल एम्ब्रेस विद द स्पिन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द एस जी सेटअप तो राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस इज। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास इलेक्ट्रॉन है विद स्पिन इन द जेड डायरेक्शन, जिसकी स्पिन कहां पर है जेड डायरेक्शन में है, आर पास थ्रू एस जी सेटअप, और वो एस जी सेटअप से क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, और यहाँ पे जो आपका है ना, और इनकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम द जेड एक्सिस, और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे है फ्रॉम द जेड एक्सिस से। तो द फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट विल एम्ब्रेस विद द स्पिन पैरेलल, तो आपको ये बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन पैरेलल जो पैरेलल स्पिन है उनका क्या फ्रैक्शन है, मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड में से आपके डिफरेंट तरीके के इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, तो आपको केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिनकी स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है आपको यहाँ पर उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि सपोज करो ये आपके पास क्या है यहाँ पर, ये इस तरीके से आपके पास जेड एक्सिस है ना। अब ये जेड एक्सिस है और यहां से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है आपका 60 डिग्री, ये इस तरीके से है। अब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सपोज करो इस तरीके से हम यहाँ पे एक ओपनिंग कंसिडर करते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक ओपनिंग कंसिडर करता हूँ इस तरीके से,
तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ स्पिन होंगी जो कि हमारे जेड एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती हैं, जेड एक्सिस के एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं या किसी भी एक्सिस पर हो सकती हैं। तो आपको यह बताना है कि जेड एक्सिस के पैरेलल जो जेड एक्सिस के पैरेलल आपको स्पिन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यानी कि जेड एक्सिस के पैरेलल जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कितने इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस के पैरेलल है। अब आप क्या करोगे, सपोज करो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आता है तो आप इसके कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा। तो यहां से अब ये जो आपका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपका जेड एक्सिस के पैरेलल है तो आपको इसी कंपोनेंट की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आया, मैं एक बार इसको ढंग से आपको समझाता हूं, आप समझने की यहां पे कोशिश करना है ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जैसे कि सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन आपका आया, अब इस इलेक्ट्रॉन की यहां पर एक, तो अगर आप इसको यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेते हो तो ये हमारा इस तरीके से पास होगा, ये मेरा, तो ये वाला जो एक्सिस है आप देखो ये आपका क्या है, पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है। तो ये पैरेलल है, अब इस इलेक्ट्रॉन के आपने दो कंपोनेंट कर लिए, एक पैरेलल और एक आपका इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो आपका पैरेलल है आपको इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग अपनी एक स्टेट लिख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है, इस थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारी स्टेट होगी वो हम कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग या आपको स्टेट लिखना नहीं आता है तो मेरा यहाँ पे पाउली स्पिन मैट्रिक्स का एक वीडियो है, मैंने आपको बताया है कि कैसे हम यहाँ पे अपने स्टेट्स को लिखते हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टेट लिखना आ जाए। और मैं उसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो आपको वीडियो के लास्ट में वो वीडियो दिख जाएगी और आप उसको क्लिक कर देख सकते हैं। तो ये चीज है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट लिख लेते हैं। तो सपोज करो थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास स्टेट है वो हमारे पास है साइन, ये हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगी तो आप यहाँ पे स्टेट लिख सकते हो उसको कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, हम यहाँ पे ये स्टेट मान लेते हैं। और फ्रेंड आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, क्योंकि थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके पास स्टेट आई है, ये जो आपके पास स्टेट है ये हो गई आपकी 1/2, ये हो जाएगी आपके पास अंडर रूट 3/2, तो ये आपके पास स्टेट है। अब आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स यहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को आपको कैलकुलेट करना है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उसकी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको क्या चाहिए, पैरेलल का मतलब है अप स्टेट, तो आप यहाँ पे अप स्टेट ले सकते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब होता है डाउन स्टेट और पैरेलल का मतलब होता है अप स्टेट, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, अब आप यहाँ पे मान लेते हो आपके पास क्या है, एक अप स्टेट, तो मैं अप स्टेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1/0, तो ये हमारे पास क्या है, अप स्टेट है। अब आपको यहाँ पे क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है उन इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्या जेड एक्सिस के पैरेलल निकलते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हम अप स्टेट की क्या ले लेंगे, यहाँ पे ग्राफ फॉर्म। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखने आती है, तो प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास अप और आप इसको यहाँ पे लिखेंगे आपको इस तरीके से, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी लिखने का फॉर्मूला होता है। आपको प्रोबेबिलिटी किसके क्रॉसपॉन्डिंग लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फील्ड से निकल के जा रही है, जो आपकी ओपनिंग है उस ओपनिंग में से निकल के जाने वाले उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है जो हमारी अप स्टेट के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा। और तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे अप, तो ये हमारे पास है, तो फ्रेंड सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे अप और साइन, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आप इसका कर दोगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो अप स्टेट है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0, ये हो जाएगा हमारे पास, और आप यहाँ पे जो आपके पास साइन है ये हमारे पास है 1/2, ये हमारे पास है, और ये आपके पास है अंडर रूट 3/2, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका, तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आता होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस का 0। तो यहां से फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ चुका है, तो यह आ गया हमारे पास साइन अप, यह हमारे पास आ गया है अप, यह आपके पास आ गया है साइन,
इज इक्वल टू, यह आ गया है आपके पास 1/2। अब आपको क्या निकालनी है इसका, आपको यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का यही मतलब होता है। तो अब आप यहाँ पे इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। और आप इसको क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अब यह आपके पास है साइन और आपके पास इसका जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब 0.25 की प्रोबेबिलिटी है स्पिन कि हमारे जो पैरेलल आपके पास हो रहे हैं। तो ये था हमारे पास फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.25, ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है था हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम इज एच इज इक्वल टू 1 ऑप्शनल ऑप्शनल माइनस 1 व्हेन ऑप्शनल इज वेरी वेरी स्मॉल 1 तो द फोर्थ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच इज गामा ई की पावर 4 तो द वैल्यू ऑफ गामा। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका पर्टरबेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक हैमिल्टोनियन दिया हुआ है और इस हैमिल्टोनियन के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करना है और यहाँ पे जो आपको पर्टरबेशन दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है गामा ई की पावर 4। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे जनरल मेथड का यूज करेंगे तो आपका ई की पावर 4 है तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है एच दिया हुआ है और आपको जो हैमिल्टोनियन दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो यह हमारे पास क्या है 1, ये आपके पास 1 है, फिर आपके पास ऑप्शनल है, फिर आपके पास 1 ये है और आपको माइनस का 1 दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ फ्रेंड यही दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का लैम्डा, ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शनल, फिर हमारे पास है ऑप्शनल इस तरीके से, यह आ जाएगा ऑप्शनल और माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस का लैम्डा और यहां से आ जाएगा आपके पास 0। तो यह आपके पास 0 आ चुका है। अब आप यहां से क्या करोगे, तो यहां से आप देख सकते हो ये आ जाएगा 1 माइनस का लैम्डा और फिर आपके पास है माइनस, ये आ जाएगा ये आपका माइनस का साइन अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस का लैम्डा, ये आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड ये हमारे पास इस तरीके से चीजें निकल के आ जाएंगी, तो जो कि आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस और आप देखो ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा आपका फ्रेंड्स, अगर आप इसको यहाँ पे लिखना चाहते हो तो माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर ये हमारे पास, और ये हो जाएगा प्लस का ऑप्शनल नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, तो फ्रेंड्स ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आपके पास है लैम्डा का स्क्वायर और प्लस का ऑप्शनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो लैम्डा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस का ऑप्शनल का स्क्वायर इस तरीके से ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑप्शनल का स्क्वायर, ये हमारे पास है आपका 1/2। तो ये हमारे पास इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब फ्रेंड हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से लैम्डा आ चुका है आपके पास 1 प्लस, ये हमारे पास है ऑप्शनल का स्क्वायर और आप इसको लिख सकते हो 1/2। तो ये हमारे पास इस तरीके से चीजें हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से चीजें हैं हमारे पास। अब आपको यह बाइनोमियल पता होगा तो आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंड कर लो, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो आपको यहाँ पे इसका बाइनोमियल एक्सपेंड करना है, तो अब आप इसका यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस और आप इसको लिख सकते हो 1/2, ये हो जाएगा ऑप्शनल का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1 आपका माइनस का 1, यह आ जाएगा ऑप्शनल की पावर 4 और एंड सो ऑन इस तरीके से। तो यह आ जाएगा 1 प्लस, आप इसको लिखोगे 1/2 ऑप्शनल का स्क्वायर प्लस, अब देखो फ्रेंड यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये मेरे पास है प्लस का 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का, ये हमारे पास हो जाएगा 1/8 और यहां से आ जाएगा आपका ऑप्शनल की पावर 4 और ये आ जाएगा आपका एंड सोन। तो अब आप इसको देखो, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें,
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ए की पावर फोर का फोर के क्रॉस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट बतानी है। तो ये हमारा ए की पावर फोर आ रहा है, मतलब अपसैंडल की पावर फोर आ रहा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे निकालते हो फोर्थ ऑर्डर करेक्शन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, फोर्थ ऑर्डर करेक्शन निकाल लेते है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ ऑर्डर करेक्शन हमको निकालना था, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/8। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा 0.182 और 0.28। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.128। तो नेगेटिव साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नेगेटिव साइन ये बताता है आपका कि स्टेट डाउन जा रही है या स्टेट आपकी अप जा रही है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 तो और भी सिंपल है, एसटीआर का ये क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो यहाँ पे आपको दिए हुए टू इवेंट्स आपके पास है, वन ऑन द अर्थ एंड द अदर ऑन द सन एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली इन द अर्थ फ्रेम। तो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू इवेंट्स एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर इन अ स्पेसशिप मूविंग विद वेलोसिटी 0.5 c इन द अर्थ फ्रेम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ टू द सन इज डेल्टा टी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो गिवन दैट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन 8.3 मिनट्स इन द अर्थ फ्रेम, तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन मिनट्स है ना। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दो इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट आपके पास अर्थ पे हो रहा है और दूसरा इवेंट आपके पास सन पे हो रहा है, और दोनों इवेंट हमारे एक साथ हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक आपका स्पेसशिप है और स्पेसशिप के अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, अब वो क्या देख रहा है कि इन दोनों में उसको यहाँ पे कुछ टाइम डिफरेंस नजर आ रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 0.5 की। तो आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है मिनट में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे आपके पास दो इवेंट हो रहे हैं, दो एक इवेंट आपका अर्थ पे हो रहा है, दूसरा इवेंट आपके पास सन पे हो रहा है, और दोनों हमारे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो हमारा 0.5 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसको यहाँ पे एक डिफरेंस नजर आ रहा है इनके टाइम में, तो आपको बस वही यहाँ पे टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि उस ऑब्जर्वर को कितना टाइम डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जनरल सा है, आपको पास साइमल्टेनिटी का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, तो आप मेरे एसटीआर की वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास साइमल्टेनिटी का फॉर्मूला होगा डेल्टा टी डैश, ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी माइनस का वी, ये हमारे पास है डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास 1 का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यह है। अब फ्रेंड देखो अगर हम बात करते हैं अर्थ फ्रेम के रिस्पेक्ट में, दोनों हमारे जो इवेंट है वो सेम डायरेक्शन, वो हमारे कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू अर्थ फ्रेम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास 0 है। अब जो आपका स्पेसशिप है वो हमारा मूव कर रहा है 0.5 वेलोसिटी से, 0.5 c वेलोसिटी से हमारा मूव कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फ्रेंड जो हो जाएगा हमारे पास 1 और आप क्या करोगे यहाँ पे 0.5 c का स्क्वायर करोगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और सॉरी ये हमारे पास इस तरीके का नहीं है, तो यहाँ से आपका सी स्क्वायर से ये वाला सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, और इस एक सी से आपका ये वाला एक सी कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास क्या बचा माइनस, तो ये आपके पास बचा माइनस, और ये हमारे पास है 0.5, और आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पे एक सी आपका रह चुका है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास 1 ये आपके पास है 0.5 का स्क्वायर, तो इस तरीके से। अब यार आपको पता है कि जो आपके पास टाइम होता है, टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये भी हमारे पास क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका मतलब है ये आपके पास टाइम है। तो आप इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू माइनस, आप इसको लिख सकते हो 0.5, यह हमारे पास हो जाएगा टी, आप इसको टी लिख सकते हो 1, और अब आप देखो अब आप इसको क्या लिखोगे, तो ये आपके पास है 0.5, तो आप क्या करोगे आपने यहाँ पे थोड़ा सा रबर करते हैं, तो 0.5 ये भी हमारे पास है 0.5, तो कितना आ जाएगा आपके पास 25, और पॉइंट लगा दोगे दो के बाद, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, तो ये आ चुका है आपके पास 0.25।
अब आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब यहाँ को टी कितना दिया भाई, तो ऑब्जर्वर ने कितना टाइम यहाँ पे मेजर करा, तो यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जर्वर है उसने यहाँ पे 8.3 मिनट्स यहाँ पे ऑब्जर्व करा है। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हो, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा 8.3 मिनट्स। तो हम यहाँ पे मिनट में ही लिख लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास मिनट में है और यह आपके पास है अंडर रूट। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.75। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो डेल्टा टी डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.80। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास मिनट इसका आंसर। तो यार इस तरीके से ना आप यहाँ पर अपने इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दो नंबर में। तो इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास है 0.2 यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आंसर आया है 4. ये हमारे पास है 4.80 मिनट, क्योंकि आपको यहाँ पे मिनट में निकालना है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन मैनर आपको क्या दिया हुआ है, 2 डायमेंशनल लैटिस द एनर्जी डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपके पास एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है, ई और के बीच में जो रिलेशन होता है आप उसको डिस्पर्सन रिलेशन कहते हो। इसी तरीके से ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन होता है आप उसको भी डिस्पर्सन रिलेशन कहते हो। यहाँ पे आपको के की वैल्यू दी हुई है, के एक्स के वाई डिनोट्स द वेव वैक्टर, के इज अ लैटिस कॉन्स्टेंट एंड टी इज अ कॉन्स्टेंट इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जो आपके पास टी है, टी की जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इसका मतलब समझ में यह आता है कि यहाँ पे जो आपके पास टी है वो हमारे पास एनर्जी है। तो इन दिस लैटिस द इफेक्टिव मास टेंसर एम आई जे ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ द विलियन जोन हैज द फॉर्म इज इक्वल टू दिस। तो ये जो आपके पास इफेक्टिव मास जो आपने कैलकुलेट करा है विलियन जोन के सेंटर से, वो हमारे पास किसकी फॉर्म में है, आपको टेंसर की फॉर्म में दिया हुआ है, एम आई जे इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर टी ए स्क्वायर अल्फा 0 0 अल्फा, तो द वैल्यू ऑफ द अल्फा। तो आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पे डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है, वो हमारे पास ई के इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2t, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस, ये हमारे पास है के एक्स ए, और प्लस ये हमारे पास है 2, और आपको दिया हुआ यहाँ पे कॉस, ये हमारे पास है के एक्स बाई 2a, और आपको दिया हुआ यहाँ पे कॉस, ये हमारे पास है अंडर रूट 3/2, और ये आपके पास है के वाई ए। तो ये आपको इस तरीके से एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एम आई जे यानी कि टेंसर दिया हुआ है, मास टेंसर, वो हमारे पास है एच कट स्क्वायर, फिर आपके पास है टी, ये हमारे पास है ए स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है अल्फा, फिर हमारे पास है 0, फिर आपके पास है 0, और फिर आपके पास है यहाँ पर अल्फा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे क्या बतानी है, अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास इतना क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे टेंसर मैट्रिक्स लिखते हैं। तो आपको टेंसर अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता है मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है टेंसर की। तो यहाँ पे हमारे पास है मास मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे मास मैट्रिक्स लिख लेते हैं, है ना। इसका मतलब है हमने यहाँ पे अपनी टेंसर मैट्रिक्स को लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास एम आई जे, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास एम एक्स एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा एम एक्स वाई, फिर आप यहाँ पे लिखोगे इसको एम वाई एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास एम वाई वाई, ये हमारे पास है। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर वी मान लेता हूं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन ए और बी को, हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं ए एंड बी। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे ए बी को कंपेयर करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एम एक्स एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इस एच कट को, तो यहाँ पे देखो ये अल्फा आ रहा है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एच कट स्क्वायर अल्फा अपॉन, ये हो जाएगा टी ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। और यहां से हमारे पास एम एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके इक्वेट होगा, तो ये हमारा 0। इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वेट होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम वाई एक्स इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एम वाई वाई इज इक्वल टू,
ये हमारे पास एटकट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास है टी ए का स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर वैल्यू निकल कर आ चुकी है, तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब यार हम यहाँ पे एक चीज और जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, हमको क्या पता है, तो हमको पता है कि जो हमारा इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो इफेक्टिव मास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे, ये हमारे पास हो जाएगा इफेक्टिव मास फॉर्मूला एम, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास होगा एम स्टार इज इक्वल टू, आप इसको लिखते हैं यहाँ पे एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये होता है डेल स्क्वायर ई अपॉन, आप इसको लिखते हो यहाँ पे डेल के स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके पास इफेक्टिव मास है वो टेंसर की फॉर्म में एम एक्स एक्स है, आपके पास एम एक्स वाई है, आप तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो अब हम इसी चीज को ऐसे करके लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एम, आप इसको यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई, तो एम एक्स वाई का, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एम वाई वाई, तो सॉरी एम एक्स एक्स, तो अगर मैं इसको एम एक्स एक्स लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, या आपका इस तरीके से हो जाएगा डेल के एक्स का स्क्वायर, मतलब दो बार हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड ये हो जाएगा इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं तो ये होगा मेरे पास एम, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच कट स्क्वायर, फिर आप इसको क्या लिखोगे, ये होगा हमारे पास डेल, और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे डेल अपॉन, ये हमारे पास होगा डेल वाई, और आप इसको यहाँ पे लिखोगे डेल स्क्वायर सॉरी डेल, ये हमारे पास होगा अपॉन डेल ई अपॉन, आप इसको लिखोगे डेल के एक्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिखोगे, कहने का मतलब है आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या लिखोगे वाई एक्स, तो वाई एक्स लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे दिस, और ये हमारे पास हो जाएगा डेल, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे डेल के एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा डेल वाई, और आप इसको लिखोगे डेल के वाई, और फ्रेंड्स फिर आप यहाँ पे लिखोगे एम वाई वाई, ये हमारे पास हो जाएगा एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास आएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन, और आप इसको यहाँ पे लिखोगे डेल, ये हमारे पास हो जाएगा डेल के वाई का स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ चुकी है, तो अब हम यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं डेल ई, फिर हमारे पास आएगा डेल के एक्स, तो हाँ हम इसको यहाँ पे के एक्स, तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड करें। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, के एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चलिए हम इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके लिख देता हूँ, है ना, आपको तो पता ही है माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास के एक्स ए, और फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए, क्योंकि हम इसको के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर हो जाएगा हमारे पास टू, और यहाँ से आपके पास आएगा साइन, और आप इसको लिखोगे के एक्स बाई टू, ये हमारे पास हो जाएगा ए, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बाई टू, ये हमारे पास कॉस में रहेगा क्योंकि आप इसको के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो के वाई वाली टर्म तो हमारे पास ऐसी रहेगी। अब इस टू से आपका ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फ्रेंड्स हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास टू टी, और ये आ जाएगा आपके पास ए, ये हमारे पास हो जाएगा साइन के एक्स ए, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, और प्लस ये हमारे पास आएगा ए, और आप इसको लिख सकते हो साइन के एक्स ए, ये हमारे पास हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई टू, ये हमारे पास होगा कॉस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा के वाई, और फ्रेंड इस तरीके से। अब आप इसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, तो हम इसको यहाँ पे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा आपका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप फ्रेंड इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टू टी, और आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, यह आ जाएगा कॉस के एक्स ए, प्लस यह आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस के एक्स बाई टू ए, और आप यहाँ पे इसको लिख लोगे कॉस, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट थ्री बाई टू के वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह। अब यार ये हमारे पास चीजें आ चुकी हैं, तो आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया है, ये हमारे पास इस तरीके से चीजें आ चुकी हैं, तो ये हमारे पास है। अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, सिमिलरली करके
हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, सिमिलरली करके, देखो ज्यादा आपको नहीं करना है चक्कर में, आप सिमिलरली करके यहाँ पे डेल स्क्वायर के वाई निकाल लो, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, हम वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस चीज को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आप इसको लिखोगे यहाँ पे कॉस के एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे के एक्स ए बाई टू, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा के वाई ए, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में ये आ चुका है ना फ्रेंड। तो आपने यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये निकाल लिया, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, बिलियन जोन के सेंटर से निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो कैलकुलेट एट द सेंटर, तो आपको क्या बताया है, एट सेंटर, तो सेंटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास के वाई और के एक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्यों, अगर आप फ्रेंड्स बिलियन जोन बनाते हो तो आप ना इस तरीके से बिलियन जोन बनाते हो, ये हमारे पास बिलियन जोन होता है आपका इस तरीके से, ये वाला, तो आपने देखा ये हमारे पास ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास होता है पाई बाई ए, ये हमारे पास होता है माइनस का पाई बाई ए, तो यहाँ पे ये जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो जीरो है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एट सेंटर, अगर हम बात करते हैं एट सेंटर की, तो एट सेंटर हमारे पास के एक्स इजिकल टू जीरो होता है और के वाई इजिकल टू जीरो होता है। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे किसमें, हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सी मान लेता हूँ और इस इक्वेशन को यहाँ पे डी मान लेता हूँ, तो हम सी और डी में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे के एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये हमारा वन हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस जीरो वन हो जाएगा, फिर फ्रेंड्स ये भी मेरा वन हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आपने देखा यहां से हमारे पास ये डेल स्क्वायर ई और डेल के एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a² t, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है। इसी तरीके से डेल स्क्वायर ई अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा डेल के वाई स्क्वायर, और आप इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2t, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो यह हमारा 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a² t। तो यहाँ देखा आपने दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, तो यह हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यूज निकल कर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या निकल कर आ चुका है, तो हमारे पास निकल के आ चुका है इसकी वैल्यू, ये हमारे पास क्या है 3a² t, ये हमारे पास वैल्यू है आपके पास देश, और इसकी वैल्यू हमारे पास 3a² t। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास है mxx, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास h का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 3a² t, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a² t। अब ये तो आपको पता ही है, ये हमारे पास अगर आप इसको लिखोगे तो ये तो मेरा जीरो के इक्वेट है, आपने देख लिया यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू तो जीरो के इक्वेट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी जीरो के इक्वेट है, तो ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब बचा हमारे पास एम वाई वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है एच का स्क्वायर, ये हमारे पास है 3, और आप इसको क्या लिखोगे a² t, इस तरीके से। तो फ्रेंड जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है mx इज इक्वल टू दिस, तो अब आपके पास ये वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल टू दिस। अब आप इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है mxx इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अल्फा 3a t², तो ये हमारे पास है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारे पास है mxx, इसकी वैल्यू आपके पास क्या थी एच कट स्क्वायर अल्फा अपॉन ये हमारे पास है t a², और फ्रेंड्स आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास है 3a² t। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास, अगर मैं इससे देखो, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इस टी से हमारा ये टी कैंसिल हो जाएगा, इस ए स्क्वायर से आपका ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, तो आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 1/2, तो यहाँ से हमारे पास है mxx, ये मेरे पास है अल्फा, ये हमारे पास है 1/3, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/3। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा myy, तो myy की वैल्यू कितनी है एच कट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास है 3a² इज इक्वल टू, ये हमारे पास है एच कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी निकल के आई थी 3a² t।
ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी एम वाई वाई की, तो आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस टी से आपका ये टी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एम वाई वाई और ये हमारे पास है अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एम वाई वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/3। तो और फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है एम एक्स वाई की वैल्यू भी जीरो है, इसकी वैल्यू भी आपके पास जीरो है, और आपको पता है यहाँ पे एम वाई एक्स की वैल्यू भी आपके पास कितनी है जीरो है। तो ये भी हमारे पास इस तरीके से जीरो हो चुका है, तो ये आपके पास जीरो आ चुका है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स थी, अब आप देखोगे तो फ्रेंड्स आपको मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ था, ये हमारे पास था एम आई जे, ये हमारे पास कितना था एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास है 3a² और आपको दिया हुआ था अल्फा 0 0 अल्फा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास है 3a², ये हो जाएगा 1/3 जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 1/3। तो आपने देखा यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ फिर से तो वही वैल्यू आ रही है वापिस, तो यह हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दी है। तो फ्रेंड इस तरीके से ना आप अपने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 था, वो सॉरी पार्ट नंबर 9 था, और इससे पहले मैंने यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक के वीडियोस दे दिए हैं, उसमें हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और प्लेलिस्ट में भी है, और वीडियो के एंड में जो आपको थंबनेल्स दिखाई देती है उसके ऊपर भी है, आप वहां पे क्लिक करके भी डायरेक्ट वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये मेरा काम जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप गेट 2018 का सॉल्व पेपर चाहते हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और फ्रेंड्स अब लास्ट में काम की बात, तो आप मेरे को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, फॉलो मी आल्सो ऑन अनअकैडमी और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, तो आप इन सब जगह पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है और क्या है नाम है पोटेंशियल जी, ये मेरा पोटेंशियल जी 9 इंस्टाग्राम का है, और ये मेरा FB पेज है। तो फ्रेंड आके जल्दी से मेरे को यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि मैं यहाँ पे आपको रोज लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ अपने वीडियो के रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू है, कीप लर्निंग है, और बाय बाय है।